अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू ज़ायगोट फार्म। आज का वीडियो हम डेली रूटीन पे, हमारे फार्म पे हम क्या करते हैं, डेली रूटीन फीडिंग का प्रॉब्लम, फीड कैसा देते हैं हम, उसके ऊपर वीडियो बनाते कि सुबह स्टार्ट हम फीड कैसे स्टार्ट करते, पूरे दिन का रूटीन इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा कि मेरा फीडिंग कैसा रहता है और मैं फीड में क्या क्या देता हूँ सुबह से शाम तक का, ठीक है। तो एंड तक वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अभी। जैसा सुबह का पहला फीड हमारा रहता है बाजरा। सबसे पहला मैं बाजरा देता हूँ सुबह में, अर्ली मॉर्निंग। ये बाजरा लिया है हमने। ये लिया बाजरा, इसमें मैं थोड़ा मिनरल मिक्सचर भी ऐड करता हूँ। उगोनी यहाँ ले ले, ये एग्रीमेंट फोर्ट है, आपको बताता हूँ मैं। उगोनी सीधी कर, ये चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट है, हम देख सकते हैं। चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट, ये मिनरल पाउडर आता है, इसको भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, वर्बैक कंपनी का ये, तो इसको अच्छा रिजल्ट है। तो वो हम मिक्स करते थोड़ा इसके अंदर मिनरल मिक्सचर में, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मिनरल मिक्सचर भी जावे बकरों को। तो ये मिनरल मिक्सचर थोड़ा ऐड करते उसके अंदर, उसको एक थोड़ी स्मेल आती है, थोड़ा इसको यानी स्मेल आती है। तो ये आपको तो मालूम है क्या, बकरे ये सूंघ के खाने वाले जानवर है, सूंघ के खाएगा। तो इसको थोड़ी गंदी अगर स्मेल आती है तो बकरा खाने में हिचकिचाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा गुड़ का पानी उसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये गुड़ का पानी किया है, तो ये पूरा उसके अंदर गुड़ का पानी ऐड कर देते और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते, तो बकरा फिर शौक से खा लेता है। नहीं तो फिर अगर सूखा डालेंगे तो क्या करेंगे बकरा, वो मिनरल मिक्सचर को वैसा ही छोड़ देते और बाजरा बाजरा खा लेते। तो ये चीज़ से बचने के लिए उसको हल्का सा मैं गुड़ के पानी में गीला कर देता था कि बकरे खा ले हुए और शौक से खाते, ठीक है। तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि बकरा किस तरह से खा लेते। ये पानी रेडी रखा है हमने सुबह में, जैसा पानी में मैं थोड़ा बेकिंग सोडा भी ऐड करता हूँ। इसमें गुड़ डाला है, बत्तीसा डाला है, काला नमक भी इसमें ही मैं ऐड कर देता हूँ, काला नमक सेंधा नमक, तो पानी में ही डाल देता हूँ, वो अलग से चटाने के लिए नहीं रखता हूँ। तो ये दोनों घमेला रेडी है अभी। बकरा जैसा खोलेंगे तो वैसा पहला पानी पे ही टूट पड़ेंगे। ये भी फीडर में बाजरा डालेंगे थोड़ा थोड़ा। ये फीडर में बाजरा डाला है, पहला सबसे पहला मैं बाजरा ऐड करता हूँ। शुरुआत मेरी सुबह की मॉर्निंग की बाजरे से होती है। तो अभी गेट खोलेंगे वैसा बकरे सब दौड़ के आ जाएंगे। अभी बकरे प्लेइंग एरिया में देख सकते, सारे बकरे प्लेइंग एरिया में खड़े। ये देख सकते आप, बकरे सारे आ गए फीडर पे टूट पड़े। बाजरा बहुत शौक से खाते बकरे, सारे बकरे खाने में लग गए। ये बाजरे का टाइम है, अभी देख सकते क्या बाजरा पूरा खा गए। अभी ये पत्ती का टाइम है, हरी पत्ती डाल रहे हैं अभी।
ये हरी पत्ती डालिए फीडर में, सब हरी पत्ती खाने को लग गए बकरे। हम देख सकते हैं पूरे टूट पड़े हरी पत्ती के ऊपर। तो बाजरे के बाद मैं हरी पत्ती डालता हूँ। पत्ती भी अभी अच्छी आ रही है, माशाल्लाह अच्छी आ रही है, क्वालिटी अभी अच्छी आ रही है। रॉयल पशु आहार से ही पूरा यह सामान ले रहा हूँ, अच्छी आ रही है क्वालिटी वाइज पत्ती भी। ज़्यादा देख सकते हैं पत्ती अभी अच्छी आ रही है, क्वालिटी वाइज अभी अच्छी है, बकरे भी शौक से खा रहे। मट्टी तो थोड़ी बहुत निकलती है, वो तो निकलनी ही है, फिर भी क्वालिटी वाइज पत्ती अच्छी है अभी। तो ये सेकेंड इंग्रेडिएंट मेरा हरी पत्ती है, ठीक है। सारे बकरे वहाँ ही लगे, ये फीडर छोड़ दिया है, आएंगे इधर, एक एक्स्ट्रा फीडर रखता हूँ। अभी ये तीसरा आइटम बेर का पत्ता है, पूरा बेर का पत्ता डाल रहे हैं अभी। इसको भी बकरे बहुत शौक से खाते। ये बेर का पत्ता है, बहुत शौक से खाते इसको भी बकरे। हम देख सकते हैं सारे बकरे खाने में लग गए। इसे बकरा थोड़ा चर्बी पकड़ता है, बकरे को चमक भी आती है, एंटीसेप्टिक का भी काम है करता है थोड़ा बेर का पत्ता। अच्छी चीज है ये, पर इसका एक ही प्रॉब्लम है क्या, ये इससे थोड़ा बकरा चर्बी पकड़ता है। ये भी अच्छा आइटम है, अच्छा साफ सुथरा है बेर। ये भी आपको रॉयल पशु आहार में मिल जाएगा। तो तीसरा आइटम मेरा बेर का पत्ता है। चालू कर, ये लकड़ी मत मारो, ये अभी चने का छिलका चौथा आइटम डाल रहा है। अभी चौथा आइटम ये चने का छिलका है। चौथा आइटम चने का छिलका डालता हूँ मैं, देख सकते हैं आप, ये चने का छिलका है। ये भी बहुत शौक से खाते बकरे, और मैं ज़्यादा करके यही ऐसे ही फीड को प्रेफरेंस देता हूँ, अलग अलग तरीके का डालता हूँ ताकि बकरे भी शौक से खाते और एक तरीके फीड को भी उन लोग यानी कंटालते नहीं है या बोर नहीं होते, शौक से खाते। फिर बकरा चेंज चेंज करके अपन डालेंगे ना अलग अलग, तो बकरा भी शौक से खा लेता है। ये भी अच्छे क्वालिटी का है चने का छिलका, आप देख रहे हैं साफ सफाई एकदम अच्छा क्वालिटी में चने का छिलका। तो ये भी शौक से खाते बकरे। तो ये चौथा आइटम डाला चने का छिलका। अभी ये पांचवा आइटम तूर डाला हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। अभी एक पांचवा आइटम तूर डाला हूँ, ये थोड़ा कम ही वापरता हूँ, ज़्यादा नहीं वापरता हूँ तूर। अगर गवार खुट्टी मेरे को अच्छे क्वालिटी में मिल जाती है तो ज़्यादा उस पर ही मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, गवार पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा। ये भी अभी तूर बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिली थी मेरे को, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, तो सुपर क्वालिटी की तूर है। ये भी रॉयल पशु आहार में मेरे को मिली थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की अभी तूर उनके पास थी, और बकरे भी बहुत शौक से खाते हैं, और वेस्टेज नहीं के बराबर उसमें था, तो तूर वापर रहा हूँ थोड़ी। ये मेरा पांचवा आइटम था। अभी ये गवार खुट्टी डाल रहे, ये आप फीडर में देख रहे, तो जो भी पहला बताया वो सब
सुबह 1 बजे के पहला डालता हूँ और फिर 3 बजे के आसपास ये गवार खुट्टी डालता हूँ। ये भी अभी अच्छी क्वालिटी में आ रही है, ये भी रावल पेशोवार से ही मैंने ली है। तो अभी ये गवार खुट्टी डाली, तीन बजे के आसपास डालता हूँ। ये भी बहुत शौक से खाते बकरे, इसका यूज़ ज़्यादा करता हूँ मैं। अच्छे क्वालिटी में मिली तो गवार खुट्टी में ज़्यादा वापरता हूँ, इसको रिजल्ट भी अच्छा है। ये खाने के बाद बकरा पानी बहुत पीता है, शौक से पानी पीता है। तो ये मेरा पांचवा छठवा आइटम शायद। सबसे पहला हरी पत्ती डाली, फिर उसके बाद बेर का पत्ता डाला, फिर चने का छिलका डाला, फिर तूर डाली और ये पांचवा आइटम गवार खुट्टी है। और लास्ट में एकदम ये 6 बजे के आसपास मैं दाना डालता हूँ। जैसा मैं मेरे वीडियो में बताया है कि मैं ये सब मिक्स करके मैं दाना, मैंने वीडियो डाला इसके ऊपर, आप देख सकते हो पीछे वीडियो में क्या 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 मेरे दाने में रहता है। तो ये लास्ट में ये दाना मैं डालता हूँ, लास्ट में 6 बजे के आसपास ये मेरा फाइनल रहता है। तो दिन भर का मेरा ये खाने का शेड्यूल रहता है, जैसा मैंने बताया वो हिसाब से मैं पूरा दिन मेरा फीडिंग का शेड्यूल रहता है बकरे का। अब देख सकते बकरे सब अंदर आ रहे हैं अभी फीडर पे और दाना खा रहे हैं। तो ये डेली रूटीन था मेरा फीडिंग का, जैसा मैंने बताया सबसे पहला मैं हरी पत्ती डालता हूँ, सबसे पहला शुरुआत मैं बाजरे से करता हूँ, सॉरी सबसे पहला मेरा बाजरा रहता है मौसम के हिसाब से। अभी सर्दी है तो मैं बाजरा यूज़ करता हूँ और गर्मी रहेंगी तो सुबह में पहला जौ देता हूँ। तो सबसे पहला बाजरा, फिर हरी पत्ती डाली हमने, फिर बेर का पत्ता डाला, फिर चने का छिलका डाला, फिर तूर का भूसा डाला और बाद में दोपहर में 3 बजे के आसपास हम गवार खुट्टी डालते और फाइनल दाना। तो ये था डेली रूटीन फीडिंग का मेरे फार्म पे। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।